बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और खुशखबरी लेके हाजिर हुआ हूँ जनाब अस्पताल से। पहले भी आपको मैंने खुशखबरी दी थी अल्हम्दुलिल्लाह की, 10 साल से जो पुरानी एमआरआई की मशीन थी वो बाकायदा चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह की। 25 से 30 करोड़ की एमआरआई की मशीन आई थी और मैंने जब लोगों को बताया था, लोग बहस से 20-20 हज़ार का एमआरआई करवा रहे थे। मैंने कहा अभी टाइम है, आप जल्दी से एमआरआई का जनाब अस्पताल में टाइम ले लें और यकीनन कितने लोगों को फ़ायदा हुआ आप सारे गवाह हैं। अब इससे भी एक बड़ी खुशखबरी मैं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक शोभा गुर्दू से, नेफ्रोलॉजी से है, तो जनाह अस्पताल की तरफ से एक और खुशखबरी है हमारे उन दोस्तों के लिए, उन बहन भाइयों के लिए जिनके गुर्दे काम नहीं कर रहे। तो आप डायलिसिस का तो हमारे पास एक चलता हुआ एक फुली फंक्शनल सेटअप था, लेकिन क्योंकि गुर्दे की पेमंदकारी ही, यकीनन आप समझ रहे होंगे, गुर्दे की पेमंदकारी ही सबसे अच्छा हल है गुर्दे नाकारा होने की सूरत में। अल्हम्दुलिल्लाह आप असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शबीर चौधरी, प्रोफेसर डॉक्टर नवीन साहब और हमारे जो नेफ्रोलॉजी के प्रोफेसर हैं शोभा अमराज गुर्दा के प्रोफेसर डॉक्टर शफीक चीमा, इन सब की टीम की काबशों से अब जना अस्पताल में बाकायदा गुर्दा ट्रांसप्लांट शुरू होने वाला है। और ये गुर्दा ट्रांसप्लांट जो कि बहर आपसे तकरीबन 70-80 लाख में होता है, इंशाल्लाह 5-6 लाख की एक मुख्तसर सी रकम में ये यहाँ पर बाकायदा शुरू होने वाला है, जहाँ पर इसकी अद्वियात भी मिलेंगी। जिन भाइयों ने जिनके गुर्दे फेल हैं, गुर्दा डोनेट करना चाहते हैं, उनके पास अपना गुर्दा भी अवेलेबल है, उनके पास अपना पेशेंट भी है और वो चाहते हैं कि हमारा ट्रांसप्लांट कम से कम पैसों में हो जाए, तो वो बेशक मेरे इस नीचे कमेंट करके जरा में मुझे आके मिल सकते हैं। इंशाल्लाह उनकी हम लिस्ट में उनके नाम भी लिखवाएंगे। बाकी उनके जो 1.5-2 लाख के टेस्ट हैं वो करवाने पड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला 2-3 मंथ्स में आपको ये सारी चीज़ें जनाह अस्पताल में फंक्शनल मिलेंगी। तो पहले आइए, पहले पाइए की बुनियाद पर अपने मरीजों का इलाज कीजिए। हमारे प्रिंसिपल साहब उनको और हमारी सारी टीम के लिए आप दुआएं भी करें और इसको वीडियो को शेयर करें, ताकि जितने भी लोग इस कसम पुरसी में हैं जो हर हफ्ते में 2 दफ़ा डायलिसिस के 15,000-20,000 रुपये भरते हैं, उनके लिए एक मुकम्मल हल हो। जो गुर्दा नया लगेगा वो 20-25 साल बाद का सारी ज़िंदगी भी चल जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। अस्सलामु अलैकुम, डॉक्टर कसवर सईद, नेफ्रोलॉजी, सैनिक आफ़।